हमारे पास जो लास्ट टाइम आप आए थे उस वक्त जो पेंट आपने किया था वो नाइफ के साथ, वो नाइफ के साथ था। और हमारे ऑफिस में आज तक वो पेंटिंग मौजूद है और आज मैं वो वापस लेके जाऊंगा क्योंकि ड्राई हो गई होगी। लास्ट टाइम ठीक है, ऐसा करें आप वो वाली ले जाएं, ये वाली छोड़ दो। ये वाली मैं खुद, ये आपको गैलरी में ही नजर आएगी। अच्छा, तो इसमें से अभी तो मैं कलर्स की ये ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, इसमें देखते हैं। अच्छा सिद्धू साहब, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पर स्क्वायर फुट के हिसाब से भी पेंटिंग की प्राइस होती है, तो आप किस तरह से कैनवस के साइज से करते हैं पेंटिंग की प्राइसेस आपकी होती हैं, या फिर आप जितना बारीक काम होगा या जितनी डिटेलिंग होगी वर्क की उसके हिसाब से प्राइसेस होती हैं? जी इसमें साइज के नहीं होते। पर स्क्वायर फीट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं इसे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर वन बाय वन की पेंटिंग है मिनिएचर स्टाइल में और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट का टाइम कंज्यूम हुआ है, तो उसे हम स्क्वायर फीट में नहीं, हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं कभी भी नहीं। तो स्क्वायर फीट में प्रिंटिंग होती है पैनाफ्लेक्स की, पेंटिंग नहीं, अच्छे जो आर्टिस्ट हैं वो स्क्वायर फीट में नहीं जाते। ठीक है, तो बाकी हर एक का अपना। तो आप डिटेलिंग के हिसाब से अगर कोई पोर्ट्रेट बनवाना चाहे और चाहे कि वो बहुत हिसाब से नहीं होता, वो डिटेल्स पे डिपेंड करता है, डिटेलिंग में कितना डिटेल वर्क है, उस पे कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो ये चीजें मैटर करती हैं।